और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जिस बाइक का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो बाइक्स इंडियन मार्केट में आने वाली है। और ये 100% कन्फर्म्ड है कि 2020 तक ये सभी बाइक्स आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो पहली बाइक है एप्रिलिया RS 150। दोस्तों, इस बाइक का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, और हमारे इंडियन भाइयों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था कि एप्रिलिया इस बाइक को कब लॉन्च करेगी। तो भाइयों, इस बाइक की लॉन्च डेट आ चुकी है और जनवरी 2020 को ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। और इस बाइक में आपको मिलेगा 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी 18 BHP की और टॉर्क मिलेगा 40 Nm का। और इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस रखा गया है 1,40,000। और दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरी बाइक है KTM ड्यूक 390 एडवेंचर। अब दोस्तों, इस बाइक को लॉन्च करने का मेन मोटिव ये है कि जो ड्यूक 390 है वो एक स्पोर्ट्स बाइक है, उस बाइक को रेस ट्रैक के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन फिर भी राइडर्स उसको लॉन्ग टूर पर लेकर जाते हैं और ऑफ रोडिंग भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल भी उसको टूर पर लेकर नहीं जा सकते हो, बाकी आपको भी पता है कि इंडियन रोड्स कहीं ना कहीं ख़राब होती है, और अगर आप बड़े बड़े गड्ढों से ड्यूक 390 को निकालोगे तो आपके टायर्स और सस्पेंशन भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए KTM ट्रिप लवर बाइकर्स के लिए इस बाइक को लॉन्च कर रही है, और जो लोग इस बाइक को लेने वाले हैं उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है, और वो ये है कि ड्यूक 390 एडवेंचर की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जनवरी 2020 तक ये बाइक आपको आपके नियर बाय KTM शोरूम पर अवेलेबल हो जाएगी। और इस बाइक में आपको मिलेगा 373.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 Fi लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 43.5 BHP एट 9000 RPM पर और टॉर्क मिलता है 37 Nm का, और नंबर ऑफ गियर्स इसमें 6 हैं। और दोस्तों, इसमें आपको ऑफ रोड टायर्स मिलते हैं विथ डुअल चैनल ABS, इसलिए अब आपको ऑफ रोडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 3 लाख। तीसरी अपकमिंग बाइक है बजाज डोमिनार 200। दोस्तों, बजाज डोमिनार 200 का भी काफ़ी समय से वेट किया जा रहा है, क्योंकि इस बाइक का स्ट्रीट फाइटर लुक्स है और सभी को ये बाइक काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये एक हैवी लुक प्रोड्यूस करती है और ये बाइक एडवेंचरिंग करने के लिए भी बेस्ट है, लेकिन 400 सीसी होने के कारण और ज़्यादा प्राइस होने के कारण सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बजाज इस बाइक का लुक सेम रखेगी, बस इंजन डिस्प्लेसमेंट 200 सीसी का कर देगी, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ये बाइक अफोर्डेबल हो जाएगी। और इस बाइक की लॉन्च डेट आ चुकी है, फरवरी 2020 तक ये बाइक कंफर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। और इस बाइक में आपको मिलेगा 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 4 वाल्व BS6 लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 24.2 BHP एट 9750 RPM पर और टॉर्क मिलता है 18.6 Nm एट 8000 RPM पर, और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6 मिलेंगे, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,20,000। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आप डोमिनार 200 लेना पसंद करोगे कि नहीं। फोर्थ बाइक है होंडा CB 150R। दोस्तों, इस बाइक का लुक्स एंड डिज़ाइन स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद है, और आपको भी ये बाइक पसंद आएगी, क्योंकि जब MT15 लॉन्च हुई थी तब सारे बंदे इस CB150R को MT15 से कंपेयर करने लगे, और इस बाइक को लेकर होंडा कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। इसलिए होंडा कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अप्रैल 2020 तक वो इस बाइक को लॉन्च कर देंगे, और इस बाइक में आपको मिलता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व BS6 इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 20 BHP और टॉर्क है 15 Nm का, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,40,000। लेकिन दोस्तों, इस बाइक में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं, इसलिए प्राइस कटिंग करने के लिए होंडा कंपनी इसमें आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आपको होंडा CB150R का लुक्स कैसा लगा। फिफ्थ बाइक है बजाज पल्सर RS 400। यूरोपियन कंट्री में इस बाइक का नाम SS 400 है, लेकिन इंडिया में ये RS 400 के नाम से
आएगी और इस बाइक का लुक सेम RS 200 की तरह रहेगा, बस इंजन डिस्प्लेसमेंट 400cc का हो जाएगा और ये बाइक मार्च 2020 तक इंडियन मार्केट में आ जाएगी। और मुझे लगता है कि जो डोमिनार 400 का इंजन है वही इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम आपको 373.2cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ट्रिपल स्पार्क लिक्विड कूल FI इंजन इसमें आपको मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर है 42 BHP और टॉर्क है 33 Nm का और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,60,000। थोड़ी सी कॉस्टली है वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन और ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलेगा। सिक्स्थ बाइक है यामाहा XSR 155। दोस्तों इस बाइक का लुक यामाहा ने एकदम सिंपल और कॉम्पैक्ट रखा है, जिसके कारण ये बाइक आपको भी पसंद आएगी और इस बाइक को आप एडवेंचरिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और यामाहा इस बाइक को मई 2020 को लॉन्च करने वाली है और इस बाइक में आपको मिलेगा 155.1cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 19.3 BHP एट 10,000 RPM और टॉर्क है 14.7 Nm एट 8,000 RPM। नंबर ऑफ गियर्स आपको इसमें 6 मिलेंगे और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,50,000। सातवें नंबर की बाइक है होंडा CBR 150R। वैसे तो दोस्तों इस बाइक को 2019 में ही लॉन्च हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस बाइक की डिमांड इंडिया में ज़्यादा थी और इसकी वजह से ही ओल्ड CBR को इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यूड किया था, बट कुछ कारणों की वजह से ये बाइक इंडिया में नहीं आ पाई। लेकिन अब फाइनली ये बाइक आ रही है और मार्च 2020 तक ये बाइक लॉन्च होने वाली है और ये R15 V3 को लुक्स और परफॉर्मेंस में भी टक्कर देगी। और इस बाइक में आपको मिलता है 149.5cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOHC FI लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 17.1 BHP एट 9,000 RPM पर और टॉर्क है 14 Nm एट 7,000 RPM का। और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6 मिलते हैं और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,40,000। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको CBR 150R कैसी लगी। आठवें नंबर की बाइक है यामाहा R125। दोस्तों यूरोपियन कंट्री में ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और इसका लुक्स भी सेम R15 V3 की तरह है और आपको तो पता ही है कि इंडिया में 125cc की बाइक काफ़ी ज़्यादा चल रही है और ये बाइक अप्रैल 2020 तक लॉन्च हो जाएगी और जैसे ही ये इंडियन मार्केट में आएगी फिर RC 125 को झटका लग सकता है, क्योंकि इस बाइक में आपको मिलता है 124.7cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड SOHC 4 वाल्व FI BS6 इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14.8 BHP की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 12.4 Nm का और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,10,000। और दोस्तों यामाहा ने ये भी बोला है कि अगर R125 की सेलिंग इंडिया में अच्छी रही तो उसके बाद वो MT 125 को भी लॉन्च कर देंगे और ये बाइक आप सभी के बजट में भी आ जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा अराउंड 80,000, जो कि एक हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट प्राइस है, लेकिन लॉन्च डेट इस बाइक की कन्फर्म नहीं है। नौवे नंबर की बाइक है होंडा रिबेल 300। दोस्तों इस बाइक का लुक एकदम सिंपल और कॉम्पैक्ट है और जो हार्ले डेविडसन की आयरन आती है उसी से मिलता जुलता इसका डिज़ाइन है, लेकिन आप इसको स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर मत कीजिए क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड और जावा को टक्कर देती है, साउंड में नहीं लेकिन रोड परफॉर्मेंस इस बाइक का काफ़ी अच्छा है। और ये बाइक जून 2020 तक लॉन्च हो जाएगी और इस बाइक में आपको मिलता है 286cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOHC 4 वाल्व BS6 इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27 BHP की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 23 Nm का और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 2,00,000 रुपये। 10th नंबर पर आती है यामाहा MT-03। दोस्तों इस बाइक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी है और ये एक परफेक्ट स्पोर्ट्स बाइक है क्योंकि ये सीधा सीधा डोमिनार 400 को टक्कर देती है और ये बाइक मार्च 2020 को लॉन्च होने वाली है और इस बाइक में आपको मिलता है 321cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOHC लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 41.48 BHP एट 10,750 RPM पर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 29.6 Nm एट 9,000 RPM का और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है
3 लाख रुपए। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।